नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्षेत्र संख्या 2 से शीला देवी ने जिला पार्षद उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराया। देखें चुनावी मुद्दे पर खास चर्चा। कस के बताइए, शीला देवी। हाँ, किस क्षेत्र संख्या से आप नामांकन कराने आए, किस पद के लिए? 2 नंबर। दो नंबर से। हाँ। जिला पार्षद सदस्य के लिए। हाँ। क्या नाम हुआ सर? रंजय कुमार। किस क्षेत्र संख्या से किस पद के लिए नामांकन कराने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आए? मैं इनका प्रस्तावक शैलेश देवी जी, क्षेत्र संख्या 2। मैं उनका प्रस्तावक। किस उद्देश्य से इस क्षेत्र और जनता की सेवा करने के लिए आप लोग? मैंने गरीब गुरबों और तमाम जनता को एक साथ लेकर चलने और कंधे कंधे मिलाकर उस क्षेत्र का, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 का विकास जनहित के लिए उपयोग है, इसी उद्देश्य। पूर्व में जो भी निवर्तमान में जो प्रतिनिधि थे, वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए कितना काम कर पाए? क्षेत्र में गए आप लोग, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता संवाद रख रही है आपके पास? उन्होंने खास करके गौराचक ग्राम में एक बार भी नहीं गए हैं 5 साल के अंदर, हमारे वर्तमान जिला परिषद जी जी, और वे जनहित में काम नहीं किए हैं, निजी स्वार्थ की भावना से काम किए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं मेरे क्षेत्र संख्या में जितने भी पंचायत हैं सभी वहाँ मैंने सहभागिता से काम हो। वो तो कह रहे हैं कि हम बिजली के लिए और रोड के लिए काफी अच्छा काम किए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। और स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य केंद्र पे भी तो बोल रहे थे, सिर्फ वो अपने लिए किए हैं कि हरपुर में किए हैं। अच्छा, में स्वास्थ्य केंद्र नहीं किए हैं, घोड़ा तक हम लोग विलेज है, लेकिन वहाँ नहीं किया गया है, जनहित का काम नहीं हुआ है। उस क्षेत्र में जो किसानों की जो बदहाली है, जिसपे कि किसानों को जीआर राशि मिलने की संभावना बन चाहिए, चूंकि इस बार बाढ़ आया था, बारिश के पानी से किसान जूझ रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर क्या कहेंगे, उस पर तो मान लीजिए हमारे जो वर्तमान थे वो भी मुद्दा नहीं उठाए, आज 3 साल से कोई भी नहीं मिला। और खगड़िया अच्छा। जिला की बात करते तो उसमें सिर्फ मतलब बेलदौर प्रखंड लिया गया, आज तक हम मिला कहाँ, इनपुट मैंने दिया गया ही नहीं है। तो चलिए, जनमत के लिए जनताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? जनमत के लिए मैंने हमारे साथ रहे, अपार अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो मैं कंधे से कंधे मिलाकर सभी का विकास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।